सदस्य माननीय के माध्यम से, टेलीविजन चैनल्स के माध्यम से आम आदमी पार्टी कर रही है, और जिस तरह दिल्ली के लोगों को ये भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है कि अगर हिंदुस्तान में कोई एक ईमानदार है तो केजरीवाल जी या उनकी पार्टी के सदस्य हैं। जिस तरीके से एजेंडा लाया गया और अभी जब हम सदन में आए एजेंडा बदल दिया गया, इससे नियत के अंदर और कोई एक ईमानदार है तो केजरीवाल जी या उनकी पार्टी के सदस्य हैं। जिस तरीके से एजेंडा लाया गया और अभी जब हम सदन में आए एजेंडा बदल दिया गया, इससे नियत के अंदर और नीति का फर्क साफ दिखाई देता है। पिछले 20 दिन से लगातार जन लोकपाल पर ये चर्चा होती रही कि अरविंद केजरीवाल जी चाहे उनको इस्तीफा देना पड़े लेकिन जन लोकपाल लेकर आएंगे। ना मिले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या ये मिली भगत है अंबानी जी के साथ, बीएसईएस की कंपनियों के साथ, कि उनको 372 करोड़ देना इस सरकार की प्राथमिकता बन गई है और जन लोकपाल जो है वो पांचवें नंबर पर रखा गया है। आज जिस तरीके से कल कॉल अटेंशन मोशन लगाया गया था, जिस तरीके से सोमनाथ भारती जी के जो आचरण था और जो उन्होंने किया है, योगेंद्र महिलाएं हो या पूरी दिल्ली में आज जिस तरीके से रेशियल वारदातें, खास तौर से नॉर्थ ईस्ट के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ व्यवहार हो रहा है, ये उसी दयनीयता का नतीजा है जिसका प्रदर्शन सोमनाथ भारती जी ने किया था। और हम चाहते हैं कि इसके ऊपर पूरी तरीके से एक बहस हो सदन के अंदर, और इस तरह के व्यक्तियों को इस तरह के पद पे, वो लोग जो ईमानदारी की दावेदारी करते हैं, वो लोग जो ईमानदारी का नारा लगाते हैं, वो लोग जो लोगों को बेईमानी के सर्टिफिकेट बांटते हैं, मैं आज उनसे पूछना चाहता हूं। और जहां तक कांग्रेस पार्टी का ताल्लुक है, कांग्रेस ने हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। आज जिस जन लोकपाल की आप बात कर रहे हैं, जब पार्लियामेंट के अंदर जन लोकपाल बिल लाया जा रहा था, उस समय हमारे नेता राहुल गांधी और सोनिया जी ने कंसेंसस बनाकर उस बिल को पास करवाया था। हम प्रतिबद्ध हैं कि भ्रष्टाचार से लड़ने के। और जहां तक कांग्रेस पार्टी का ताल्लुक है, कांग्रेस ने हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। आज जिस जन लोकपाल की आप बात कर रहे हैं, जब पार्लियामेंट के अंदर जन लोकपाल बिल लाया जा रहा था, उस समय हमारे नेता राहुल गांधी और सोनिया जी ने कंसेंसस बनाकर उस बिल को पास करवाया था। हम प्रतिबद्ध हैं कि भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए कोई भी कानून होगा हम उसका समर्थन करेंगे, लेकिन इस ऑगस्ट हाउस में अगर संविधान की धज्जियां उड़ाई जाएंगी कानून की, तो उसके खिलाफ इस सदन का हर मेंबर खड़ा होकर यही बात कहेगा कि जो कुछ करना है संवैधानिक तरीके से लाइए। मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि जो सोमनाथ भारती जी वाला सेंसोर मोशन है, उसके ऊपर चर्चा कराई जाए, ताकि दिल्ली के लोग भी जाने कि कितने ईमानदार लोग जो है सरकार चला रहे हैं और सबको उद्देश्य ईमानदारी और सिद्धांतों का देते हैं और रास्ता कौन सा अपनाते हैं, ये भी साबित इस हाउस में हो जाएगा। धन्यवाद। और मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि यदि एलजी साहब ने कोई चिट्ठी भेजी है बिल के लिए, तो उसको आप सदन को अवगत कराएं और सबसे पहले उसी पर चर्चा कराएं। जरूर बताएंगे।